हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे? सब लोग होप करता हूँ यार आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू माय न्यू डे। चलो चलते हैं अपना, अभी बस यार फ्रेश हुए हैं, तैयार होते हैं, आपको कपड़े पहन के मिलते हैं नहा के, तो आज जाना है कॉलेज काफी दिनों बाद। चलो ऑन सेट रेडी गाइस, चलो चलते हैं नीचे, खाना खा के आते हैं, आपको भी दिखाते हैं आज क्या खाना है। खाना वही होगा, डोसा इडली सांभर, नहीं तो डोसा चटनी इडली चटनी। आज वेडनेसडे है, आज शायद उपमा हो सकता है, बाकी देखते हैं जाके नीचे। हाँ भाई, जैसा मैंने बताया था उपमा होगा, उपमा ही था। अभी खाने में खा लिया है, ऊपर आ गए कमरे में, बस अभी शूज पहन ले, नीचे बस वेट कर रही है अपनी। कौन सा पड़ी गई, चलिए चलते हैं नीचे, बस हमारे वेट कर रही है। तो भाई निकल चुके हैं बस के पास जाने के लिए, बस यहाँ नहीं आती क्योंकि अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, थोड़ा आगे गेट के पास जाना पड़ेगा, तो वहीं पे चल रहे हैं। फिलहाल बैठ चुके हैं बस के अंदर, मैं भी हमारे साथ हैं, उनके भी काफी बंदे अपने वाले। तो भाई अपना आ गए थे कॉलेज में, अपना लेक्चर वगैरह भी लगा लिया, 4 लेक्चर लग गए। अब खाने का टाइम है, लंच आ चुका है, अपना चलते हैं। ये हमारा खाना, ये क्या है, दाल राजमा टाइप की, दाल और चावल और एक सूखी सब्जी, इस प्लेट में हम 2 जने खाएंगे। तो भाई अपन निकल चुके हैं अभी कॉलेज से, जाते हैं डायरेक्ट हॉस्टल पीजी पे। तो भाई अभी निकल चुके हैं बाई वॉक ही, या फिर देखते हैं लिफ्ट मिलती है या फिर बस आती है। तो वैसे तो बाई वॉक भी जा सकते हैं अपन, पास ही है अपना पीजी, 1-2 किलोमीटर की रेंज में है। ये अपने भाई लोग अपने साथ चल रहे हैं, ये भी है, चलते हैं हॉस्टल। अगेन बैक टू पीजी, चलते हैं रूम में रेस्ट करते हैं। फाइनली भाई आ चुके हैं रूम के अंदर, कपड़े चेंज करते हैं और थोड़ी देर सोते हैं। भाई आज तो छुट्टी नहीं निकली है मेरी, कल भी ऐसी सुबह का सारा दिन हो गया, और अभी भी चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आप सभी। फाइनली भाई अपना फैशन हो गया, कपड़े चेंज कर लिए हैं। अभी एक बार मेरा मन था कि यार नीचे जाकर खाना लेके आऊँ, बट बिल्कुल हिम्मत नहीं है जाने की, बाद में देखेंगे अगर भूख लगी तो। फिलहाल थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, मिलते हैं आप सभी को, बाय बाय। तो भाई अभी अलमीरा भी सेट कर दिया है और बस सब कुछ बढ़िया तरह हो गया है यहाँ पे सेट, अपना बेड वगैरह भी सब कुछ सेट है, बस अब बैठते हैं शूट पे। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। शूट के लिए भाई रेडी, माइक लग चुका है, स्क्रिप्ट आके सामने रेडी है, कपड़े शर्ट भी चेंज कर लिया आपने, अब चलिए करते हैं। तो गाइज अपना शॉर्ट शूट कंप्लीट हो चुका है, अब एडिट एडिट करते हैं। मेरा मन तो सो था यार मैं कैसे सो जाऊंगा, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, बट फिर ये भी था कि 2 दिन से शॉर्ट वीडियो कहीं निकली थी तो वो चीज़ भी ज़रूरी है, तो मैं चलो कोई बात नहीं, सो तो जाएंगे बाद में, अभी ये चीज़ काम कर लेते हैं पहले। तो अभी ये करते हैं, बैठते हैं एडिट करते हैं, इसको शेड्यूल कर देंगे आराम से, फिर रेस्ट करेंगे। तो गाइज अपना रील अपलोड कर चुके हैं हम लोग अभी, शेड्यूल तो नहीं एक साथ ही कर दी थी मैंने क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैं रील डालने में 6 बजे का टाइम होता है, जैसे कि मेरे रील का तो 6:05 हो गए थे, 6:06 हो गए अभी। तो अब चलते हैं एक बार बाहर भाई साहब, कुछ खाने पीने, यार भूख लग गई मेरे को, टपरी है यहाँ पे, एक नाम नहीं मेरे को याद आ रहा उसका क्या है, मोमो जैसी चीज़ होती है खाने में, बढ़िया लगती है, दिखाते हैं आपको। अपने को खाली आज जाना पड़ रहा है यहाँ से, बड्डू था नहीं इनके पास, तो देखते हैं कुछ और खाने का मिलता है तो अपना यहाँ। अगेन बैक टू रूम गाइस, थोड़ी देर अब चलिए रेस्ट करते हैं, बाद में मिलेंगे आप सभी को। तो चलिए गाइस चलते हैं नीचे, अपना खाना वाना खा के आते हैं, लेट उठा लिया मैंने अभी, टाइम हो गया 8 बजने वाले शायद, लग गया होगा अभी तक तो, खाना नहीं लगा हो तो नीचे रूम में वेट कर लेंगे दोस्त के। तो खाना वाना डाल रहे हैं, खाना और ले लीजिए रात के लिए क्योंकि बाकी यार सब्जियाँ बहुत लोग पेट। तो भाई अभी रूम में आके खाना रख चुका हूँ मैं, लेट ढक के खाना रख दिया है, अब देखते हैं ऊपर चलते हैं एक बार, अगर खुला होगा तो ऊपर का दरवाज़ा, घर वाले से भी थोड़ी बात कर लेंगे।
निकला इस ऑफिस आ चुके हैं अपने रूम के अंदर, थोड़ा काम आ गया था कुछ तो करते हैं, फिर उसके बाद बस कुछ नहीं करेंगे, बैठेंगे आराम से। तो भैया थोड़ा सा काम रह रहा है अपना, किसी का कुछ थोड़ा SEO करा, लोकल SEO, तो उसको कंप्लीट करके बस अपना स्किन केयर रूटीन चालू करते हैं, दिखाते हैं आपको भी। ये देखो ये अपना चल रहा है काम बढ़िया तरह। ये ऐसे किया इसको, 1 मिनट हो गया, इसको यहाँ डाला हमने, यहाँ करा। लो भाई अपना ये काम हो चुका है SEO का, अब 1 दिन में अपडेट हो जाएगा ये, तो अब चालू करते हैं हम अपनी स्किन केयर रूटीन। तो भाई सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश कर लेता हूँ, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट प्लान क्या है, कैसे अपना स्किन केयर रूटीन करूँ। और अब अपना हमने फेस वॉश कर लिया है, अब हम करते हैं इसको टॉवल से हल्के से। और अब इसके बाद मैं, मेरे पास है हिमालय का पील ऑफ मास्क केसर फेस पैक, तो इसको लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई मेरे को लगा कि वो है पील ऑफ मास्क बट वो था फेस पैक, तो फेस पैक मैंने अप्लाई कर लिया फेस पे अच्छे से, थोड़ी देर इसको सूखने देते हैं फिर देखते हैं क्या फर्क आया। और फिर थोड़ा सा बचा था तो मैंने हाथों पे भी लगा लिया है, देखो। तो इसको थोड़े से वेट करते हैं, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आप सभी को। मैं तो यार आप सभी को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर ऐसा स्किन केयर रूटीन करना है तो रात को करो, क्योंकि रात को क्या है कि कहीं नहीं जाना आपको, दिन में तो क्या है कि अगर करवाते हो तो कहीं ना कहीं जान लग जाता है, पड़ जाता है, कभी भी कुछ भी काम आ जाता है। तो रात को क्या है कि ऐसे टाइम पर लगाओ बिल्कुल जब सोने का टाइम है, उसके बाद कुछ काम करना ही, कुछ कहीं नहीं जाना, तो उस टाइम बेस्ट रहेगा, क्योंकि स्किन को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा अंदर ही अंदर रहेगी ना, थोड़ी देर फेस मास्क लग के तो वो और ज़्यादा अपना दिखाएगी रिएक्शन, और ज़्यादा सुंदरता आएगी आपके। तो चलो भाई नाउ इट्स टाइम टू वॉश आवर फेस, सूख चुका है पैक बिल्कुल हर जगह से, आप मिलते हैं आपको फेस वॉश करके। योर गाइस पैक आफ्टर वॉशिंग माई फेस, खुशबू भी अच्छी अच्छी आ रही है, बिल्कुल जेंटली रब करते हैं फेस को। तो बाकी अपने आप सूख जाएगा हवा से। तो अब पारी है मॉइस्चराइजर की, निविया का मॉइस्चराइजर यूज करते हैं हम, वो लगाते हैं दिखाते हैं, बताओ भाई कैसा लग रहा हूँ मैं, है ना सुंदर आ गया निखार, सुंदरता मेरी कैसी लगी आप सभी को बताओ कमेंट करके। बढ़िया थोड़ी सी टैनिंग तो निकली, बाकी एकदम तो जाएगी नहीं, धीरे धीरे वैसे ही स्किन केयर रूटीन मेरे को चालू करना पड़ेगा अपना, तभी जाके कुछ ना कुछ होएगा इसका। ये रे वे अपना निविया की क्रीम लगाते हैं अभी इसको। ये लिए अभी थोड़ी सी क्रीम हाथ में, अब इसको लगाते हैं धीरे धीरे हल्की हल्की। इसको जेंटली मसाज करते हैं 2 उंगलियों से। तो भाई हो चुका है अपना सब कुछ, मॉइस्चराइजर इसके बाद जरूरी होता है क्योंकि फिर से ड्राइनेस आ जाएगी, तो फिर फायदा क्या हुआ उसका, फेस पर फेस मास्क पर लगा देगा तो ओके, अपनी स्किन सुबह तक और अच्छी हो जाएगी, मिलते हैं आप सभी को। तो भाई अब मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट भिगो देता हूँ, सुबह खाने अच्छे होते हैं मम्मी ने बोला था, तो दिखाते हैं। तो भाई अभी इसमें हो गई, एक हो गया अंजीर, 3 काजू हो गए और 4 बादाम हो गए, 2 अखरोट हो गए, इनको भिगो देंगे। और ये भी ज़्यादा ही है मेरे ख्याल से, तो अपना बढ़िया सुबह के हो जाएगा, बिफोर ब्रेकफास्ट इसको खाऊं। चलिए दिन के आखिरी टास्क पर बैठते हैं, ब्लॉग एडिट करते हैं अपना आप सभी को कल। और एक मेन इम्पोर्टेंट बात, आज की रील अपडेट हो चुकी है, जाकर देखो इंस्टाग्राम पे, जब आप लोग ये ब्लॉग देख रहे हो उस टाइम तक रील अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी, तो जाके इंस्टाग्राम पे देखो, मैं लिंक बायो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप जाके पेज को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, फॉलो भी करना। ओके गाइज बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर सभी को। वैसे जब आप ये देखोगे तो गुड आफ्टरनून होगी, तो अभी
गुड आफ्टरनून आपके लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।